हैं पंचामृत बेनिफिट्स प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। मैं ऑलरेडी कुछ लिख रही थी, एक मुझे कुछ सेकंड्स देना। हाँ, तो आज हम इस बात करेंगे इस टॉपिक पे कि पंचामृत कैसे बेनिफिशियल है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, क्या बेनिफिशियल है भी या नहीं, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं। ओके, तो इसका ही मैं आज जवाब दूंगी। ये हम सीरीज कर रहे हैं पंचामृत में, जो लोग फॉलो कर रहे हैं इस चैनल को, तो आज हमारा ये थर्ड वीडियो है पंचामृत की सीरीज पे। तो इसको स्टार्ट करते हैं ये बोलने से, जिन्होंने नहीं देखा है प्रीवियसली वो जाके देख सकते हैं। इसमें हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम पंचामृत करेक्ट क्वांटिटी में कैसे बनाना है, फिर बेनिफिट्स क्या है पंचामृत के, और आज हम बात कर रहे हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए क्या बेनिफिट्स हैं। सो इसी सबसे पहले जो है हम बात करते हैं मिल्क से, कि बच्चों के लिए कहते हैं सबसे अच्छा दूध जो होता है वो माँ का दूध होता है, उसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है, इम्यूनिटी होती है, पावर होती है ना, बहुत से ज़्यादा जो है बैक्टीरियाज और अलग अलग वायरसेस से लड़ने की बच्चे के लिए। अब मदर के दूध के बाद जो है सबसे सबसे बेस्ट इंग्रीडियंट जो माना गया है वो पंचामृत को माना गया है बच्चे के इनटेक करने के लिए, कि वो उसमें इतनी स्ट्रेंथ है माँ के मिल्क के बाद, दूध के बाद पंचामृत में, कि अगर बच्चा इसको इनटेक करे, प्रेग्नेंट लेडी इसको इनटेक करे, तो बच्चे की जो है स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी, फाइट करने की बीमारियों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ताकत देती है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये चीज़, इवन मिल्क प्रोडक्शन जिन मदर्स का, जिन लेडीज़ का कम होता है पंचामृत के बाद, उसमें भी फ़ायदा आता है। ये हमारे वेदों में लिखा है, शास्त्र में लिखा है। ऑलराइट, अब आ जाओ दूसरे बेनिफिट पे। जैसे कि मैंने कहा कि इम्यूनिटी को तो स्ट्रेंथन करता ही, और आज की डेट में इम्यूनिटी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, तो जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जैसे कि अभी ये समय चल रहा है कोरोना का और इन सब वायरसेस का, तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पंचामृत डेफिनेटली ग्रहण करें, क्योंकि ये बहुत मदद करेगा और ये एक नेचुरल फॉर्म है हमारे वेदों में जो लिखा है, जिससे इम्यूनिटी मिलेगी, और इस वक्त एक्स्ट्रा इम्यूनिटी की ज़रूरत है जो प्रेग्नेंट है उनके लिए। ओके, फिर क्या बात है कि खुद का कैल्शियम, खुद का जो है बोन्स की स्ट्रेंथ, खुद का जिंक, मैग्नीशियम, कितनी सारी चीज़ें जो हैं जो चाहिए होती हैं स्ट्रेंथ में, दांत स्ट्रांग होना, टीथ स्ट्रांग होना मदर के, फॉर दैट मैटर, ये सारी चीज़ें भी पंचामृत ग्रहण करने से जो है फ़ायदा देती हैं, स्ट्रांग बनती हैं, उनमें स्ट्रेंथ आती है, मजबूती आती है। ठीक है, और इवन जो हम चाहते हैं ना कि बच्चा, हर कोई कहता है एक सुंदर बच्चा हो, प्रिटी बच्चा हो, उसका स्किन अच्छा हो, बाल अच्छे हो, फॉर दैट मैटर गोरा हो, कम्प्लेक्शन फेयर हो, ये लोग चाहते हैं मोस्टली। तो यस, कम्प्लेक्शन फेयर करने में भी जो है ये पंचामृत जो है कॉम्प्लेक्शन को साफ करने में जो है मदद करता है, और अच्छे बाल और अच्छा स्किन लाने में मदद करता है। सिर्फ गोरा गोरा होना ही अच्छा स्किन नहीं है, स्किन का टेक्सचर अच्छा भी होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आपको गोरा होना है, अच्छा टेक्सचर भी ज़रूरी है। ऑलराइट, तो इसमें मदद करता है, तो हेल्दी हेयर, हेल्दी स्किन, इवन फॉर मदर्स, इवन फॉर लेडीज, हेल्दी हेयर एंड यू नो हेल्दी स्किन, ये मैंने कल भी बात की थी बेनिफिट्स में, तो ये चीज़ आती है जो इसमें बेनिफिशियल होता है। दूसरी चीज़ क्या, ब्रेन डेवलपमेंट। अब ब्रेन डेवलपमेंट तो हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा शार्प हो, ब्रिलियंट हो, जल्दी उसे चीज़ें समझ में आ जाए, ताकि जब वो स्कूल जाए और उसकी पढ़ाई शुरू हो तो शार्प माइंडेड कहलाए, सब सब्जेक्ट, सब मैटर्स उसे जल्दी जल्दी समझ आए। तो इसके लिए भी पंचामृत में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये पंच अमृत जिसको हम बोलते हैं, पांच इंग्रेडिएंट्स हैं, ये बहुत मदद करता है, मेमोरी को शार्प बनाता है, याददाश्त को बढ़ाता है बच्चे की, एंड इवन मदर की फॉर दैट मैटर, और बच्चे की ज़्यादा बढ़ाएगा क्योंकि वो एकदम शुरुआत से अगर इसको इंटेक ले रहा है मदर के थ्रू। ओके, और दूसरा ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी उसकी होगी, स्ट्रॉन्ग ब्रेन रहेगा, ब्रेन मसल स्ट्रॉन्ग बनेंगी जिसको कहते हैं ना, ये सब चीज़ें होंगी। तो ब्रेन डेवलपमेंट जो आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए भी ये बहुत जो है कहते हैं ना बेनिफिशियल है। ऑलराइट, देन व्हाट, अब आ जाओ जैसे कि हम बोलते हैं स्ट्रेंथ, और ये चीज़ के बारे में तो हम बात कर चुके हैं। इवन जो मूड स्विंग्स होते हैं प्रेगनेंसी में लेडीज़ को, जैसे इमोशनल फील कर रही हैं, इम्बैलेंस्ड फील कर रही हैं, कई बार सैड फील कर रही हैं, कभी सडनली रोना आ रहा है, यू नो ऑल दीज काइंड ऑफ इम्बैलेंस जो होते हैं हार्मोन्स के, उनको बैलेंस करता है पंचामृत ग्रहण करने से, बहुत उससे भी फ़ायदा होता है, मदद मिलती है। फिर जैसे थकान रहती है प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा, वीकनेस रहती है प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा, शुरू शुरू में डाइजेशन
प्रॉब्लम भी आती है. इनफैक्ट ये वाला पॉइंट डाइजेशन का मेरी इंग्लिश वीडियो में छूट गया है. तो डाइजेशन शुरू शुरू के दिनों में प्रॉब्लम आती है, तो इसमें भी बहुत मदद करता है पंचामृत रेगुलर बेसिस पे लेना. रोज लेना है पंचामृत, ये भी बहुत मदद करता है, ठीक है, स्टार्टिंग डेज ऑफ प्रेगनेंसी में, डाइजेशन में भी. ऑलराइट, और ये नेचुरल फॉर्म है डाइजेशन को ठीक करने का, या डाइजेशन को बढ़ा देना उसकी परसेंटेज में भी बहुत मदद करता है ये, ठीक है. और दूसरा ये है कि जैसे मदर्स को कई बार ऐसा होता है, प्रेगनेंट लेडीज़ को कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूज्ड माइंड हो जाता है उनका, बहुत नर्वस हो जाती हैं वो, सडनली डर जाती हैं, घबरा जाती हैं अपनी प्रेगनेंसी से खुद ही, इतनी वॉमिटिंग्स हो रही होती हैं, इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं. तो हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है हेल्थ वाइज एंड ब्रेन वाइज भी. देखो ब्रेन के हार्मोन्स और बॉडी के जो हार्मोन्स हैं जो कहते हैं ना, उसको भी ये बैलेंस आउट करता है. तो बहुत से फ़ायदे हैं, तो मैंने कुछ फ़ायदे गिनाए हैं, ठीक है. लेकिन इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैंने बताया है, इम्यूनिटी, जिसकी बहुत ज़रूरत है. हर चीज़ आजकल मार्केट में है कि इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये खा लो, वो खा लो, ये पी लो, ऑल ऑफ दैट. लेकिन ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जो नेचुरल इम्यूनिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग साधन जिसको बताया गया है, वो वन ऑफ द साधन ये पंचामृत कहलाता है. लेकिन इसकी क्वांटिटी सही बननी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया और उसकी क्वांटिटी सही होगी तभी उसका फ़ायदा होगा, वरना उसका नुकसान भी है, ठीक है. और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, ये याद रखना कि शहद और घी को एक मात्रा में नहीं मिलाया है. जितनी मात्रा हनी की है, शहद की है, उतनी ही मात्रा घी की नहीं होगी, घी की उससे डबल होगी, ज़्यादा होगी. और कन्फ्यूजन हो रही हो तो पहला वीडियो देख लेना जिसमें मैंने बताया है चरणामृत कैसे बनाया जाता है, हाउ टू मेक चरणामृत सीरीज़ का पहला वीडियो यही है पंचामृत के, तो उसको जाके देख लेना, ओके. बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक, टिल देन गुड बाय.